लेकिन जब वो ये कहता है अमर सिंह और अमर सिंह से लोग इनके बच्चों को तेजाब से नहलाना चाहिए, इनकी पत्नी को बुलाकर घर से निकालकर टुकड़ों में काटना चाहिए, भारत जो हमारी माता है उसको डाइन कहता है, अबू सलीम और दाऊद इब्राहिम को अपना गुरु कहता है, कश्मीर को जो हमारे हिमालय का और भारत का उन्नत भाल है उसे कहता है कश्मीर को कि यह पाकिस्तान का अंग है, कसम हिंदुस्तान के कानून की खाता है, गाथा पाकिस्तान की है, और समाजवादी पार्टी का नंबर एक नेता है जिससे मुलायम सिंह भी डरते थे और अखिलेश भी डरते हैं, अब प्रयागराज का विरोध कर रहे हैं। अब प्रयागराज का नाम क्या हम मक्का मदीना पर रख दें? हम तो नहीं कहते कि मक्का मदीना को बनारस बना दो, तो हमारे प्रयागराज को आप मक्का मदीना बनाएंगे और हम FIR नहीं कराएंगे। ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं और इसलिए इनका विरोध कर रहा। और जब मैं गृह मंत्री जी से मिला राजनाथ सिंह से, बोले आजम ऐसा कहेगा, ऐसा कोई व्यक्ति कहेगा, तो मुझे लगा कि अपना संदेश देने में विफल रहे हैं। इसलिए हमारे देश का यशस्वी गृह मंत्री, उसे नहीं पता कि एक आजम खान ऐसा पापी किस तरह की बातें कर रहा है। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की बात, हम क्या करें, हम हिंदू हैं और आजम मुसलमान, और जो मुसलमान नहीं है उसको काफिर कहता है, तो हम उसके काफिर कहने से क्या हम इस्लाम कबूल कर लें? संभव नहीं है। कल FIR